मैरी क्रिसमस जो कि इस टाइम पर कैटरीना कैफ की मूवी मुकम्मल तौर पर अपने प्रोजेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करती हुई कैटरीना कैफ जिस तरीके से मैरी क्रिसमस के सेट से बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो अपनी स्क्रिप्ट को बढ़ती हुई फैंस के साथ शेयर की, फैंस का कहना था बहुत बहुत ब्लेसिंग हो और बहुत सारी बेस्ट विशेज, बहुत सारी नेक तमन्नाएं और बहुत सारी प्रार्थना फैंस की तरफ से। और यहीं पर आपको बताते चले इनकी फोन बूथ मूवी के बारे में, तो इस टाइम पर इनकी बहुत जल्द 4 नवंबर को फोन बूथ मूवी इस सिनेमा हॉल्स में आने वाली है और फैंस का कहना है कि शादी के बाद की इनकी ये फर्स्ट मूवी है, इसी वजह से हमें कैटरीना कैफ की इस मूवी को देखने का बहुत ज्यादा शौक है। आपको बताते चले कैटरीना कैफ के बारे में, तो इस टाइम पर सबसे स्पेशल चीज ये है कि वो विकी कौशल से शादी कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि अब इनका जो करियर है वो बहुत सारे डेंजर्स में पड़ जाएगा, क्योंकि शादी के बाद काफी ज्यादा महिलाओं की जो जिंदगी होती है आफ्टर करियर की वो बहुत ज्यादा बैठ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैटरीना कैफ एक ऐसी वाइड सेलिब्रिटी है जो कि शादी के बाद भी उतनी ही फिटनेस फटीग है जो कि शादी से पहली थी और इस टाइम पर उसी तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। और कैटरीना कैफ की बात की जाए तो कैटरीना कैफ विकी कौशल का जोड़ा भी इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कपल है कि जहां पर भी नजर आता है एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए ही नजर आते हैं और फैंस को इनकी यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। फैंस का कहना है कि हमें कैटरीना कैफ विकी कौशल का ये जोड़ा हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है कि शादी से पहले उन्होंने बहुत सारी छिछोरी हरकतें नहीं की, इवन कि उन्होंने कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी और फैंस को ये भी डाउट था कि क्या वाकई इनकी शादी हो रही है या फिर ये कोई बहुत ही बड़ी शूटिंग है जो कि 6 सेंसेस भरवारा में हो रही है। लेकिन फाइनली तौर पर शादी के बाद इनकी अपीयरेंस ने जो कि उनके मांग में सिंदूर हाथों में चूड़े और इनके दोनों के हाथों में हाथ ने ये फाइनली तौर पर एक बात को साबित कर दिया कि दोनों की शादी हो चुकी है और ये सातों जन्म के लिए वादा कर एक दूसरे के हो चुके हैं और यही चीज फैंस को सुपर डुपर एडोरेबल लगी।